दोस्तों आजकल हर कोई अपनी स्पेस के हिसाब से डॉग फीड को परचेज करते हैं, क्योंकि जिनके पास स्मॉल साइज के घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो वो स्मॉल साइज की डॉग फीड परचेज करते हैं, और जिनके पास बड़ा सा घर है, जिनकी बड़ी सी फैमिली है, वो बड़े साइज की डॉग फीड को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डॉग फीड मैं आप लोग लेकर आया हूँ भाई, इसे चाहे आप लोग स्मॉल साइज के घरों में रखो, अपार्टमेंट्स में रखो, या फिर अपनी बड़ी सी फैमिली के बीच, सबके साथ ये काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं। जी गाइस, मैं बात करने वाला हूँ सिट चू के बारे में, जो कि वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड एक बहुत ही फेमस डॉग फीड है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि काफी क्यूट से होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, जिन्हें आप लोग कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि एक तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, काफी जेंटल तरीके से आप लोगों के साथ रहेंगे, और दूसरा ये काफी हल्के फुल्के हैं, क्योंकि इसी वजह से इन्हें लैप डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। ये 3-4 किलो के होते हैं, जिन्हें आप लोग गोद में उठाकर कहीं पर भी काफी आसानी से ले जा सकते हो। तो फिलहाल जो सिट जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एक एडल्ट डॉग है भाई, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल पंच फेस में और ट्राई कलर में है। तो अगर आप लोग इस सिट को परचेज करते हो तो काफी अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि भाई ये स्ट्रेट सर्विस के लिए भी तैयार होने वाला है। वैसे तो अभी ये जस्ट 11 मंथ्स का हुआ है, तो आप लोग इससे मैटिंग करा सकते हो, लेकिन भाई थोड़ा सा वेट करोगे तो और बेटर है। उन्हें सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं, एंड साथ में आप लोगों को इसका कार्ड भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करते हो तो क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के कितने सारे फायदे होते हैं? भाई देखो, इनके साथ आप लोगों को रोज रोज बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आई मीन इन्हें वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ये घर में जितना घूमते ना वो इनके लिए सफिशियंट होता है, और वही इनकी एक्सरसाइज होती है। दूसरी चीज, डॉग्स के जो महंगे महंगे फूड आते हैं ना, वो भी आप लोगों के काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं, क्योंकि भाई इस ब्रीड की जो डाइट होती है ना वो काफी कम होती है। और हाँ, सिचू में चाहे आप लोग छोटे पपीज को परचेज करो, एडल्ट डॉग्स को परचेज करो, ये बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। चाहे आप लोग स्टार्टिंग से ही इन्हें अपने बच्चों के साथ रख लो, इस एडल्ट डॉग को परचेज करने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये फैमिली डॉग्स होते हैं, ना कि गार्ड डॉग्स। वैसे गाइस, काफी बार क्या होता है कि जब आप लोग किसी डॉग ब्रीड को परचेज करते हो ना, तो आप लोगों को नॉलेज नहीं होती कि उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो भाई या तो आप लोग किसी नॉलेजेबल बंदे से उसकी क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को इसके बारे में मैं ही बता देता हूँ कि क्वालिटी जो है ना, इसकी क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। डॉग एक्सीलेंट क्वालिटी में, आप लोग आग बंद करके बेफिक्र होकर इसे परचेज कर सकते हैं। वैसे एज तो मैं आप लोगों को इसकी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने से पहले भाई, अगर आप लोग भी ऐसे ही डॉग्स की वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हो, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो भाई अगर लोकेशन की बात करें, तो ये जो सिट जो ना, ये एक मेल डॉग है, आप लोग इसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से परचेज कर सकते हो। लेकिन डिलीवरी की बात करें तो यार, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते, बिकॉज ओनर जो है वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। उनका कहना कि परचेज करना है तो डायरेक्ट घर आओ, क्वालिटी देखो, उसके बाद में ही परचेज करो, जो कि आप लोगों के लिए भी सबसे बेस्ट रहता है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो डॉग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, पंच फेस में, तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना, वो 13,500 रुपीस, यानी 13,500 रुपए। लेकिन दोस्तों प्राइस फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग कर सकते हो, प्राइस कम शायद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।